जॉनसन बेबी ऑयल को एक बार फाउंडेशन में मिक्स करके तो देखिए, ये सीक्रेट देखकर आप हैरान रह जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एंड गाइस, आज मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ जॉनसन बेबी ऑयल की ये बहुत सारी खासियत। इससे पहले ये बताऊँ, अगर चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले इसके लिए बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। एंड गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। सो आज मैंने ये जो जॉनसन बेबी ऑयल लिया है, ये हमारे स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। बेबी ऑयल है, इसमें ना पैराबिन है, ना सिलिकन है, ना आर्टिफिशियल कोई तरह का कलर एंड कोई भी मिनरल ऑयल वगैरह इसमें ऐड किया हुआ है। ये बहुत स्किन के लिए नेचुरल है। इससे आज हम कुछ खास रेमेडीज़ आपको शेयर करेंगे, जैसे कि रेमेडीज़ 1, हमारे स्किन को मॉइस्चराइजर का काम करेगी विटामिन ई। तो हमें फ्यू ड्रॉप्स मॉइस्चराइजर लेना है मॉइस्चराइजर की तरह एंड पूरी तरह से अच्छे से प्रेस करके अपने पूरी फेस में, आईब्रोज के पास, अंडर आइज के पास एंड लिप एरिया, नेक एरिया पूरे को अच्छे से लगा देंगे एंड स्किन मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड ग्लोई हो जाएगी एंड आपकी स्किन में बहुत ग्लो और ब्लश होगा। एंड गाइस, ये कंटिन्यू कीजिएगा, आपको कुछ दिनों बहुत बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो विटामिन ई हमारे स्किन के लिए एक वरदान होता है। जब फ्री रेडिकल्स के कारण स्किन डैमेज हो जाती है तो विटामिन ई हमारे स्किन को रिपेयर करता है। आज हम ये सीक्रेट शेयर करूँगी जो बड़े बड़े सेलेब्रिटीज़ अपने में मिक्स करके अप्लाई करते हैं एंड उससे स्किन एकदम ग्लॉसी शाइनी दिखती होगी। आप बड़े बड़े अवार्ड्स शो वगैरह देखते होंगे तो उसमें आप देखते होंगे कि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो होती है, बहुत शाइनी लगती है एंड ज़्यादा कुछ ओवर मेकअप भी नहीं होता है। तो उसमें ये थोड़ी सी सीक्रेट रेसिपी शेयर की जाती है। अब मैंने दोनों हाथों पे सेम फाउंडेशन लिया है। मैंने यहाँ पे फाउंडेशन यूज़ किया है मेबेलिन फिट मी एंड गाइस, इसे मैं फ्यू ड्रॉप डालूंगी, यू नो जस्ट 1 ड्रॉप्स इसमें ले लिया है एंड इक्वली फाउंडेशन है दोनों में ही 1-1 ड्रॉप एंड बस नॉर्मल इसमें मैं डाल दूंगी तो स्किन पे नॉर्मल पैचेस जैसे हो जाएंगे एंड यहाँ पे मैं बस थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करूंगी तो दिख सकते हैं कि फाउंडेशन एकदम थोड़ा ग्लॉसी टाइप का लुक है, इसमें थोड़ा फीका और इसमें ग्लॉसी लुक है। ये एक रेमेडीज है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्किन एकदम ग्लॉसी और शाइनी और स्मूथ हो जाएगी, स्किन पे ग्लो आएगा एंड इवनली आपकी स्किन पे ये मिक्स हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये मिक्स हो गया है एंड अब मैं शेयर करूंगी रेमेडीज़ 3, जो कि एक मेकअप रिमूवर का काम करती है। इतना इजी, आपको जैसे विंटर आ गए हैं, अब आपको रात को फेस वॉश करने में बहुत दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, बस आपने कोई सा भी कॉटन टिश्यू या टिश्यू लेना है या कॉटन लेना है, बस उसमें फ्यू ड्रॉप्स डालने हैं एंड जस्ट गाइज इसको आप अप्लाई करना है एंड देख सकते हैं कि कितना ईजी, बस 1 में ही ये रिमूव हो गया एंड ये कोई हार्मफुल भी नहीं है आपके स्किन के लिए, बहुत अच्छा होगा। और फिर थोड़ा सा ड्रॉप लेना है और स्किन पे प्रॉपरली लगा लेना है एंड आपको सो जाना है, वॉश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड वीडियो अच्छा लग रहा है यहाँ तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं रेमेडीज़ 4 शेयर कर रही हूँ, 4 हमारा है एक हेयर के लिए, एक मैं आपको एक जैसा सीरम बता रही हूँ, यू नो जब रफ ड्राई एंड डैमेज हेयर हो जाएगी, विंटर आ चुकी है तो विंटर में हेयर का डैमेज होना तो बहुत ज़रूरी हो गया है। तो यहाँ पे मैंने फ्यू ड्रॉप लिया है विटामिन ई एंड 1 टीस्पून लिया है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप नेचुरल भी ले सकते हैं, यू नो कोई इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई मतलब ये कंटेनर वाला ही लेना है, यू नो और मिक्स कर लेना है। इसको अप्लाई करने के लिए बस जस्ट बात लेने से बिफोर आपने इसे 1 घंटा लगा लेना है एंड नेक्स्ट डे आप मॉर्निंग वॉश कर लेना है 1 घंटे के बाद। एंड गाइस, देख सकते हैं कि ये आपको इतना रफ हेयर को, डैमेज हेयर को रिपेयर कर देगा ना गाइस, आपको बहुत अच्छा लगेगा एंड आप बहुत इंजॉय करोगे इसको। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, मेरे वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा एंड गाइस सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।